हेलो एवरीबॉडी, हम जीएसटी के 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे बाकी के 5 चैप्टर्स बचे हैं, होपफुली वो इसी मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हमें जो नया चैप्टर स्टार्ट करना है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये वही है जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अगर हमने कोई टैक्स पे किया है परचेस पे और हमें उसकी सेल पर भी टैक्स पे करना है, तो जो हमने परचेस पे टैक्स पे किया है वो डिडक्ट कर दिया जाता है हमारी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी से। उसके बाद में जो रिमेनिंग रहता है वो हम आगे पे करते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम बाकी के सारे प्रोविजंस यहाँ पे देखेंगे, इसके फायदे नुकसान रिक्वायरमेंट्स सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। आज ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर को एक ही क्लास में कंप्लीट करें ताकि हम अपना सिलेबस इसी मंथ में कंप्लीट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके बारे में ओवरव्यू है, रिलेवेंट डेफिनेशंस हम इसमें पढ़ने वाले हैं, एलिजिबिलिटी एंड इसकी कंडीशंस पढ़ने वाले हैं, अप्रोक्सीमेशन मतलब अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे अकाउंट में अवेलेबल है उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, उसको किस पहले सेंट्रल टैक्स के लिए लेंगे या फिर पहले स्टेट टैक्स के लिए लेंगे, इस तरीके से हम ITC को कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। देन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कौन से ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस रहेंगे जहाँ पर हमें ITC अवेलेबल हो जाएगा, हालांकि वहाँ पे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ इस केस में हम ITC को अवेल कर सकते हैं। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे, हाउ ITC यूटिलाइज्ड, इसके भी कुछ मेथड्स हैं, एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस हम इसमें देखेंगे कि हम किस सीक्वेंस में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रो देख लेते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट्स होते क्या हैं, टैक्स क्रेडिट्स का क्या मतलब है। अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम द क्रेडिट मैकेनिज्म ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवीड बाय यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस एक्साइज ड्यूटी, इन दोनों के ये दोनों जो टैक्स लगाए जाते थे उस टैक्स की बात कर रहे हैं, वॉज गवर्न बाय सेनमेट 2004 एंड द क्रेडिट मैकेनिज्म फॉर द स्टेट लेवल वेट ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड आर गवर्न बाय स्टेट अंडर देयर रिस्पेक्टिव वेट लॉज। इसका क्या मतलब हुआ, ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो वेट के रूल्स थे वो अलग थे, उनको ऑपरेट अलग से किया जा रहा था, जो सेनमेट के रूल्स थे वो अलग थे, उनको अलग से ऑपरेट किया जा रहा था। तो होता क्या था कि हम डबल टैक्सेशन हो जाता था, हम एक ही चीज़ पर दो बार टैक्स पे कर देते थे, लाइक एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एट द टाइम ऑफ सेल हम टैक्स पे कर देते थे, लेकिन उसका हमें क्रेडिट नहीं मिलता था। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था क्योंकि हम दो अलग अलग टैक्सेस में काम कर रहे थे। अब क्योंकि हम सिर्फ एक GST के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे लिए पॉसिबिलिटी है कि हमें टैक्स का क्रेडिट वापस मिल जाए, मतलब अगर मेरे सरकार के पास 100 रुपये जाने हैं तो 100 ही रुपये जाने हैं, वो डबल हो के 150 या 120 नहीं होगा। यहाँ पर हमने ये बात सीखी कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्यों GST में अलाउ कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है। पहले के टैक्सेस में ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन इस वाले टैक्स में GST में ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम उसका पूरा फायदा उठाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिलेवेंट डेफिनेशंस क्या कहती हैं। अगेन एजेंट की डेफिनेशन हम हर चैप्टर में देख रहे हैं। देन हमारे पास बिजनेस की डेफिनेशन है, बिजनेस की डेफिनेशन में सेम चीज हम देख चुके हैं, इसको एक बार आप रीड कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कैपिटल गुड्स क्या होता है, ये डेफिनेशन हमने अभी तक नहीं करी है। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है
the value of which is capitalized in the books of accounts of the person claiming ITC and which are used for intended to be used in the course of furtherance of business. मतलब हमारे business में use होने वाली जो assets हैं, जो long term assets होती हैं, उनको हम capital asset कहते हैं अगर उन्हें हमने उनके खर्चे को हमने balance sheet में पूरी तरीके से वही दिखाया है. मतलब जो हमारी capital assets होती, जो हमारी assets होती हैं, fixed assets, capital assets, इनको जब हम balance sheet में दिखाते हैं तो हम on cost दिखाते हैं. On cost हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये capitalization का एक तरीका होता है कि इनके ऊपर हम depreciation वगैरह चार्ज करते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑन कॉस्ट दिखाते हैं और इनका डेप्रिसिएशन दिखाते हैं पीएनएल में. तो वो असेट्स होती हैं हमारी कैपिटल असेट. कन्वेयर का क्या मतलब है? इंक्लूड वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल, यानी कि जो हमारे छोटे मोटे व्हीकल होते हैं वो भी, और जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो भी, उन सबको मिला करके एक वर्ड इन्होंने दिया है कन्वेयंस. देन एग्जेम्प्ट सप्लाई. एग्जेम्प्ट सप्लाई मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है, जिन गुड्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर नील रेटेड सप्लाई होती है, यानी कि जीरो रेटेड जो सप्लाई होती है हम उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई कहते हैं. एग्जेम्प्ट गुड्स फ्रॉम जीएसटी, उन गुड्स को अगर हम सेल करेंगे या सप्लाई करेंगे तो हम उन्हें एग्जेम्प्ट गुड्स कहेंगे. इनपुट. इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स. जो हमने ऊपर कैपिटल गुड्स की बात की थी, इनके अलावा बाकी के जो गुड्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. विच आर इंटेंडेड टू बी यूज इन सप्लाई बाय द सप्लायर इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. मतलब बिजनेस में यूज होने वाले गुड्स दो तरीके के हो गए. एक तो वो गुड्स जो हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं लेकिन वो कैपिटल गुड्स हैं, उनका खर्चा हमने बैलेंस शीट में कैपिटलाइज किया हुआ है. दूसरे वो गुड्स हो गए जो हमने अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं लेकिन उनका खर्चा हमने कैपिटलाइज नहीं किया हुआ है, यानी कि जो हमारे छोटे छोटे रॉ मटेरियल हो गया, हमारी इन्वेंटरी हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे गुड्स में आती हैं और हमारी मशीनरी, एसी, फर्नीचर, ये सब चीज़ें हमारी कैपिटल गुड्स में आती हैं. इनपुट सर्विसेज क्या होती है? इनपुट सर्विसेज मीन्स द सर्विसेज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय अ सप्लायर इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. हम अभी जो भी बात कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स की बात करें चाहे हम सर्विसेज की बात करें, लेकिन हमारा मेन मोटिव, मेन फोकस जो हमारा है वो है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. आईटीसी में हम हमेशा यही देखेंगे कि कोई चीज हमारे बिजनेस में यूज हो रही है या नहीं. अगर वो हमारे बिजनेस में यूज नहीं हो रही है तब हम उसको आईटीसी में अवेलेबल नहीं करवाते, मतलब आईटीसी उसके ऊपर अवेल नहीं कर सकते. और अगर वो हमारे बिजनेस में यूज नहीं हो रही है, सॉरी, अगर वो हमारे बिजनेस में यूज हो रही है तब हम उसके ऊपर आईटीसी अवेल कर लेते हैं. इनपुट टैक्स. अब इनपुट टैक्स का क्या मतलब हुआ? इन रिलेशन टू द रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स द सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड यूनियन टेरिटरी टैक्स, चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. हमने किसी भी तरीके की सप्लाई की हो, चाहे वो सेंट्रल टैक्स के अंदर आ रही हो, चाहे वो स्टेट टैक्स के अंदर आ रही हो, या फिर वो किसी भी टैक्स के अंदर आ रही हो, हम यहाँ पे उसी पर्सन की बात करेंगे जो रजिस्टर्ड पर्सन है और जो टैक्स दे रहा है इनपुट टैक्स के अंदर. उसके बाद में हम देखते हैं ना ए पॉइंट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स. यहाँ पे हम अपना इनपुट टैक्स यूटिलाइज कर सकते हैं. द टैक्सेबल, सॉरी इसको दोबारा से देखते हैं एक बार, गलत कुछ नहीं हुआ था लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं. इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विसेज चार्ज ऑन इम्पोर्ट्स, जो हमने इम्पोर्ट्स किए हैं, जो हमने किसी और कंट्री से इम्पोर्ट किया अपनी कंट्री में, उसके ऊपर जो हमारा
गुड्स और सर्विसेज या इंटीग्रेटेड टैक्स जो कुछ भी लगा उसकी बात यहाँ पे हो रही है, और टैक्स पेएबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3-4 ऑफ सेक्शन 9 यहाँ पे इन्होंने कवर कर लिया पूरे सेक्शन 9 में जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे उन सबको यहाँ पे कवर कर लिया है। द टैक्स पेएबल अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3-4 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द CGST एक्ट, जो हमारे चार्जिंग सेक्शंस थे उनमें हमने दो सेक्शंस की बात की थी, सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 9। इन्हीं दोनों सेक्शंस में गुड्स और सर्विसेज की बात हो रही थी और उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ITC हम कब अवेल कर पाएंगे, वो हम इन चीज़ों पर अवेल कर सकते हैं। The tax payable under the provision of subsection 3 and subsection 4 of section 9 respective state and state of goods and services। कहाँ पे हम ITC अवेल कर सकते हैं, जिस जगह से गुड्स सप्लाई हुए हैं या सर्विसेज रेंडर्ड की गई हैं उस जगह पर हम अपने गुड्स को ITC को क्रेडिट ले सकते हैं। The tax payable under the provision of the subsection 3-4 of section number 7, section number 7 में subsection 3 और 4 की बात कर रहे हैं, territory goods and services tax जो supply के अंडर होगा, जो supply of goods के अंडर होगा चार्जिंग सेक्शंस, और जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर होगा, इन तीनों सेक्शंस के अंदर हम सारा GST को इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्कस करने वाले हैं कि कब क्या होता है, किस केस में हम क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इन्हीं में देखेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स जो हमने टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट हम इसमें यहाँ पे इस सेक्शन में आके ले सकते हैं। इनवर्ड सप्लाई में इन रिलेशन टू द पर्सन शैल मीन रिसिप्ट ऑफ गुड्स, और बाय परचेज एक्विजिशन और एनी अदर मीन्स, यानी कि चाहे हमने गुड्स को रिसीव किया है, चाहे हमने उनको परचेज किया है, या फिर किसी भी तरीके से अगर गुड्स हमारे पोजीशन में आ जाते हैं तब हम वहाँ पे इनवर्ड सप्लाई कंसिडर करेंगे। अगर उस गुड्स पोजीशन में आना इम्पॉर्टेंट नहीं है वैसे, अगर मेरा टाइटल भी एक्सरसाइज हो जाता है उस पर, मुझे राइट टू एक्सेस भी हो जाता है, तब भी हम उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंडीशंस में कवर कर लेते हैं। मोटर व्हीकल्स shall have the same meaning assigned to the clause in clause 28 in section 2 motor vehicles act 1988। यहाँ पे इन्होंने बहुत साफ साफ कह दिया है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से मोटर व्हीकल्स की डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन ही हम यहाँ पे भी कवर कर रहे हैं, मतलब कुछ अलग से डेफिनेशन बनाकर नहीं दी है GST ने। तो मोटर व्हीकल्स के एक्ट के जो मोटर व्हीकल्स एक्ट का जो सेक्शन है उसके हिसाब से हमारी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे मींस एनी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल अडेप्टेड फॉर द यूज अपॉन एनी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल अडेप्टेड फॉर द यूज अपॉन रोड्स वेदर द पावर ऑफ प्रोपोल्यूशन इज ट्रांसमिटेड देयर ऑन फ्रॉम द एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज एंड इंक्लूड्स अ चेसिस ऑफ विच अ बॉडी हैज नॉट बीन अटैच्ड एंड अ ट्रेलर बट डज नॉट इंक्लूड एनी व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल्स व्हीकल स्पेशल टाइप, मतलब कि जो हमारी ट्रेन्स वगैरह हैं इनको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा रहा है, हमारी जो बाकी के जो व्हीकल्स होते हैं जो हम रोड पे चलाते हैं उन व्हीकल्स की यहाँ पे बात की जा रही है।
ओके नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? अभी तक हम देख रहे थे कि अगर कोई टैक्सेबल पर्सन होता है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, लेकिन अब बात आ गई है कि नॉन रेजिडेंट अगर कोई है तो उसको भी हम टैक्स लेने के लिए, मतलब गवर्नमेंट उससे भी टैक्स ले सकते हैं, उसको भी टैक्स किसी कंडीशन में देना पड़ सकता है। तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वही है जिसको इंडिया में रेजिडेंट नहीं माना जा रहा है, यानी कि जो 180 डेज वाली जो हमारी कंडीशन थी, 182 डेज वाली, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, उसके बावजूद भी हम यहाँ पे उससे टैक्स ले रहे हैं। पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मीन्स एनी पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर एज प्रिंसिपल और एजेंट और इन एनी अदर कैपेसिटी, बट हु हैज नॉट फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंट इन इंडिया, तब भी हम उससे टैक्स ले रहे हैं। प्रिंसिपल का मतलब, एजेंट और प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं। क्वार्टर क्या होता है? तो क्वार्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, ये वाला हमने पहले नहीं कवर किया है। शैल मीन द पीरियड कंप्राइजिंग दीज कंसेक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स, यानी कि एक के बाद एक कंसेक्यूटिव कैलेंडर मंथ्स जो हमारे होते हैं जनवरी फरवरी करके। कैलेंडर मंथ्स यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो हमारे फाइनेंशियल मंथ्स होते हैं उनको हम कहते हैं मार्च, अप्रैल टू मार्च, और जो हमारे कैलेंडर मंथ्स होते हैं वो होते हैं जनवरी टू दिसंबर। तो इनके हिसाब से यहाँ पे कैलेंडर मंथ्स एंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर ऑफ द कैलेंडर ईयर, वही बात है जो मैंने अभी बताया आपको। रिसिपिएंट के बारे में, रिसिपिएंट कौन होता है? अगर उसको कंसीडरेशन पे करना है तो जो कंसीडरेशन पे करने के लिए लायबल है उसको हम देखेंगे। अगर यहाँ पे कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो जो हमारी सर्विसेज रिसीव करने के लिए लायबल है, जिसको पोजीशन देंगे हम, वो सर्विसेज या गुड्स जिसको हम पोजीशन देंगे वो यहाँ पे हमारे लिए रिसिपिएंट माना जाएगा। और अगर यहाँ सर्विसेज की बात हो रही है तो जिसको सर्विसेज रेंडर्ड की जाएंगी उसको हम यहाँ पे अपना रिसिपिएंट मान लेंगे। देन हमारे पास सप्लायर आ गया, टैक्सेबल सप्लाई। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जीरो रेटेड सप्लाई मींस एग्जेम्प्ट सप्लाई, अभी हमने देखा था। ये इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो सकता है या सर्विसेज, या फिर इसके अलावा हम यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो बात करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ नोएडा में होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं और उसमें अगर हम कोई सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी सप्लाई हमारी जीरो रेटेड आ जाती हैं। सेक्शन नंबर 16 में यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस देखेंगे कि आईटीसी अवेल करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। कौन सा कलर लूँ? ये वाला। Every registered person shall subject to the conditions and restrictions as may be prescribed and in the manner specified in section number 49 be entitled to take ITC charged or any supply of goods or services or both to him which are used for in course of furtherance of business, यानी कि जो हमारे बिजनेस में असेट्स यूज होने वाली हैं उनके ऊपर आईटीसी लेने के लिए मैं अवेलेबल, आईटीसी लेने के लिए मैं अलाउ हूँ। लॉ के किसी भी सेक्शन के अंडर मेरी डिसअलाउंस नहीं बन रही है, सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, मैंने उसका आईटीसी लेने के लिए, उस एक्ट में कवर होने के लिए सारी कंडीशन फुलफिल की हूँ।
notwithstanding anything contained in section, no registered person shall be entitled to take ITC. जो इंसान, जो person registered नहीं होगा उसको ITC avail करने की permission नहीं है. यानी कि ITC avail करने के लिए सबसे पहले जो condition हमें मिली वो ये मिली कि सारी हमने lawful किया हो, सब कुछ सारे law and restrictions पूरे किए हों. दूसरा कि हम registered होने चाहिए. अगर हम registered नहीं हैं तो हम ITC avail नहीं कर सकते. क्लॉज ए हमारा क्या बोलता है? ही इज इन पोजिशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर. यानी कि जब मैंने परचेस की थी तो जिस सप्लायर से मैंने परचेस की थी उसने एक टैक्स इनवॉइस दिया होगा. मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मैंने ये परचेस की है. विदाउट डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हम कुछ भी अवेल नहीं कर सकते. तो यहाँ पर टैक्स की क्रेडिट कैसे मिलेगा? He has received the goods or services or both. यानी कि जो goods हमने order किए हैं या जो goods हमने purchase किए हैं वो हमने receive कर लिए हैं. ऐसा नहीं कि मैंने अभी receive ही नहीं किया और मैं उसका ITC लेने की कोशिश कर रही हूँ. यहाँ पे explanation में दिया है, for the purpose of this clause, it shall be deemed that the person, registered person, has received the goods. यानी कि जो registered person है उसने goods भी receive कर लिए हैं. ये हम यहाँ पे मान के चलेंगे इस सेक्शन के लिए. वेयर द गुड्स डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन इन डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, वेदर बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट. यानी कि कुछ भी हो हमने वो गुड्स यहाँ पे रिसीव कर लिए हैं, उसके बाद हम ITC लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. वेयर दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर टू एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ एंड ऑन अकाउंट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन. सेम चीज यहां पे भी बोल रहा है लेकिन सर्विसेज के लिए बोल रहा है. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 41. Subject to the provisions of section number 41, the tax charge in respect of such supply has been actually paid to the government. यानी कि जो tax हमारा, जिस tax का हम ITC avail करना चाह रहे हैं वो actually हमने pay किया है government को. सिर्फ अगर हमने उसको, एक तरीका होता है कि हमने tax deduct तो कर लिया है लेकिन हमने government को pay नहीं किया. इस case में यहाँ पे deduct करने के साथ साथ, सॉरी डिडक्ट करने के साथ साथ नहीं, कलेक्ट करने के साथ साथ हमें वो पे करना भी कंपलसरी है, तभी हमें ITC मिल पाएगा, अदरवाइज हमें ITC नहीं मिलेगा. ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39. उसने अपनी रिटर्न भी यहाँ पे फाइल की है. यानी कि हमारे पास अभी क्या कंडीशन हुई, एक तो वो होना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन. सबसे पहला जो हमने यहाँ पे देखा वो होना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन. देन उसने सारे लॉज एंड कंप्लायंस पूरे किए हों. उसके बाद हमने देखा कि जो सर्विसेज थी उसने रिसीव की हो, सर्विसेज या गुड्स जो भी है उसने रिसीव कर लिया हो. तीसरा हमने देखा उसके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू ये प्रूव हो सके कि उसने इन गुड्स को परचेस किया है. उसके बाद लास्ट कंडीशन हमने इसमें देखी कि हमने जो टैक्स, जिसका हम क्रेडिट ले रहे हैं वो एक्चुअली हमने पे किया है गवर्नमेंट को. प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स अगेंस्ट दी सर्विसेज इन अगेंस्ट एन इनवॉइस आर रिसीव्ड इन लॉट्स. यानी कि हम जो गुड्स रिसीव कर रहे हैं वो लॉट्स में कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं, तो उस केस में हम देखेंगे शैल बी एंटाइटल टू टेक क्रेडिट अपॉन द रिसिपिएंट ऑन अपॉन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. जैसे हम हायर परचेज में करते हैं ना कि जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं तब वो असेट हमारी होती है, सेम इस केस में भी हम यहाँ पे यही कर रहे हैं.
जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लेंगे तब वो गुड्स हमारे, तब हम ITC के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। प्रोवाइडेड फर्दर वेयर अ रिसिपिएंट फेल्स टू पे द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, देन द सप्लायर ऑन विच द टैक्स इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस द अमाउंट टूवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद द टैक्स पेएबल देयर ऑन विद इन द पीरियड ऑफ, जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, प्रोवाइडेड फर्दर वेयर द रिसिपिएंट फेल्स टू पे द सप्लायर, यानी कि रिसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट अभी नहीं किया है, अदर देन द सप्लायर ऑन विच इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज। यहाँ पे हम रिवर्स चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज की बात हो रही है, ITC रिवर्स चार्ज पे कभी नहीं मिलता। द अमाउंट टूवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद दिस विद टैक्स पेएबल देयर ऑन विद इन अ पीरियड ऑफ 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the ITC availed by the recipient shall be added to input tax liability along with the interest on such manner as may be prescribed। यानी कि अगर supplier ने recipient ने payment नहीं किया, सप्लायर को पेमेंट नहीं की उसने और ITC अवेल कर लिया, अब ITC अवेल जो हमने कर लिया था उस ITC को हम रिवर्स कर देंगे, हमारी लायबिलिटी में ऐड कर देंगे और उसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने किया है डिफॉल्ट और डिफॉल्ट के लिए हमेशा पनिशमेंट मिल जाती है। प्रोवाइडेड ऑल्सो द रिसिपियंट शैल एंटाइटल टू अवेल द ITC, जो रिसिपियंट था वो ITC अवेल करने के लिए एलिजिबल था, जो पेमेंट उसने किया उस पेमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलोंग विद द टैक्स पेएबल देयर ऑन, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम द डेप्रिसिएशन, अगर हमने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है तब हम उसका ITC नहीं ले पाएंगे। ये क्या कहना चाह रहा है, हैज क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी या फिर कुछ भी ले लो, अगर हमने उसके ऊपर ITC अवेल किया है तो हम उसका डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, और अगर हमने डेप्रिसिएशन अवेल कर लिया है तो फिर हम उसका ITC नहीं ले सकते। ये इसलिए है ताकि हम डबल बेनिफिट ना ले लें, गवर्नमेंट चाहती है कि हमें बेनिफिट तो मिले लेकिन एक ही सिंगल बेनिफिट मिले, जो कि लॉजिकल भी है। सबसेक्शन 4 में यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ड्यू आफ्टर द ड्यू डेट फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न, अगर हमने रिटर्न फर्निश लेट किए, लेट रिटर्न में हम यहाँ पे ITC अवेल करने के लिए एलिजिबल नहीं रहते, तो हमें अपनी रिटर्न भी टाइम पे भरनी पड़ेगी। यहाँ पे रूल्स डिस्कस हो रहे हैं नीचे ITC के, जो हमारी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल हम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं और कौन पर्सन उस पे अवेल कर पाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे एन इनवॉइस इश्यूड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31। जो इनवॉइस इश्यू हुआ होगा सेक्शन 31 के प्रोविजंस के अंडर, उस इनवॉइस की यहाँ पे बात की जा रही है। An invoice issued in accordance with the provisions of clause F, subsection 3
of section 31 subject to the payment of tax. दोनों ही केस में हमने इनवॉइस की बात कर ली, ये वाला इनवॉइस भी 31 के अंदर और ये वाला इनवॉइस उसके सबसेक्शन के अंदर. अ डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31. ये हम डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं कि ITC अवेल करने के लिए जो हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, यानी कि हमारे पास इनवॉइस होना कंपलसरी है तो वो इन सेक्शंस के अंदर इशू हो सकता है. अ बिल ऑफ एंट्री और एनी सिमिलर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब अंडर द कस्टम एक्ट या फिर रूल्स मेड देयर अंडर असेसमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स. यहाँ पर भी हम जो हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स होता है उसके लिए जो हम डॉक्यूमेंट इशू करते हैं वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा ITC लेने के लिए. एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट नोट या फिर एनी डॉक्यूमेंट इशू बाय एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. अगर हम किसी तरह की कोई इनपुट सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें हम जो भी डॉक्यूमेंट इशू करते हैं यहाँ पे वो भी एलिजिबल है. इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ओनली इफ ऑल द एप्लीकेबल पर्टिकुलर और स्पेसिफाइड इन provisions of this chapter are contained in this said document. जो कुछ भी हमारी requirements हैं कि उसमें invoice number लिखा होना चाहिए, उसमें document number लिखा होना चाहिए, उसमें हमारी services का description होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर available होनी ज़रूरी हैं. And the relevant information as contained in this said document is furnished in वो जो सारी details होंगी हमारी invoice की या goods की जो कुछ भी सारी हमारी details होंगी वो goods हमें form number GSTR 2 में fill करनी है. GSTR 2 में इसलिए fill करनी है, यहाँ return file करने का एक indication दिया जा रहा है कि इस form के through हम return भी file कर सकते हैं. Subsection number 4 की बात करते हैं. कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. किसको नहीं मिलेगा? बाय रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर किया है रजिस्टर्ड पर्सन ने. किस रिस्पेक्ट में नहीं किया? एनी टैक्स हैज़ बीन पेड इन प्रूडेंस इन परस्यूएंस ऑफ एनी ऑर्डर वेयर एनी डिमांड हैज़ बीन कन्फर्म्ड ऑन एन अकाउंट ऑफ एनी फ्रॉड, यानी कि अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो उस केस में यहाँ पे ITC कैंसिल कर दिया जाता है. अब यहाँ पे बात हो रही है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन. अगर हमने किसी कोई हमने गुड्स परचेज किए थे उसके ऊपर हमने टैक्स पे किया, अब उस टैक्स का हमने ITC भी ले लिया है लेकिन हमने फुल कंसिडरेशन पे नहीं किया, तो अब इस केस में क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि जो गुड्स हमने कंसिडरेशन पे नहीं किया है उसका हमें रिवर्सल करना पड़ेगा. ITC का जो हमने ITC ले लिया था अब हमें उसे अपनी लायबिलिटी में ऐड करना होगा. पढ़ लेते हैं इसको भी. अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड ITC ऑन एनी इनवर्ड सप्लाई बट फेल्स टू पे the supplier thereon the value of supply along with the tax payable thereon within the time limit specified in the second provision of section 16. Section 16 के हिसाब से जब उसे payment कर देनी चाहिए थी उसने उस time पे payment नहीं की. Then shall furnish the details of supply, the amount of value not paid and the amount of input tax credit availed. Of the proportionate of such amount not paid, जिस proportion में उसने amount pay नहीं किया है. Suppose कि मुझे 1000 rupees pay करने थे लेकिन मैंने किए 800 रुपये, तो मेरे जो 200 रुपये pay नहीं किए हैं उस proportion का
जो ITC होगा वो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा फॉर्म नंबर GSTR 2 में। The amount of input tax credit referred in subsection 1 shall be added to the output tax liability, यानी कि जो हमने input tax credit ले लिया था अब वो हमारी liability का part बन जाएगा और हमें उसको pay करना पड़ेगा। The registered person shall be liable to pay interest, यहाँ पे हमें interest भी देना पड़ेगा क्योंकि हमने default किया है। कितना interest देना पड़ेगा ये हमारा जो rate modified होगा उसके हिसाब से हम यहाँ decide करेंगे। Then जो हमारी टाइम लिमिट हो, जो सबसेक्शन 4 में हमारी टाइम लिमिट स्पेसिफाई की गई है सेक्शन 16 के, शैल नॉट अप्लाई टू द क्लेम री अवेलिंग ऑफ ITC, यानी कि अभी जो ITC कैंसिल हुआ है ना वो अगर मैंने पेमेंट कर दी, पेमेंट नहीं की इसलिए वो ITC कैंसिल हुआ है, आगे चल के मैं पेमेंट कर देती हूँ तो उस केस में जब पेमेंट हो जाती है तो हम ITC दोबारा से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है ITC को दोबारा से क्लेम करने के लिए, यहाँ पर हम दोबारा क्लेम करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं देखेंगे। ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, एनालिसिस है वही जो हमने ऊपर पढ़ा उसी का, एक्सेप्शंस भी देख ली, रिवर्स चार्ज को नहीं मिलता, डीम सप्लायर को नहीं मिलता जिसने कंसिड्रेशन पे ना किया हो, जब कंसिड्रेशन ही पे नहीं किया तो हमने उसको ITC कैसे दे सकते हैं। सेक्शन नंबर 17 आ गया है, सेक्शन नंबर 17 को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, होपफुली ये क्लास हमारी छोटी रहेगी, होपफुली ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, गुड बाय।